आज हम लोग एक मैथ में तुमको एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है तुमको जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी का मतलब हो गया कोई एक्सप्रेशन चाहे वो लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो या तुमको लीनियर का मतलब हो गया तुमको लीनियर का मतलब हो गया जब उसमें एक पावर हो लीनियर इन वन वेरिएबल, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी कहलाएगा। यहाँ इक्वल का चिन्ह देंगे तो ये इक्वलिटी कहलाता है, इक्वेशन हो जाएगा तुमको, इक्वेशन बन जाएगा। और ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशन हो गया ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये ग्रेटर देन हो या लेस देन। और दूसरा जैसे हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, तो ये भी इनइक्वलिटी है, तो ये दोनों इनइक्वलिटी है। लेकिन यह तुमको लीनियर इनइक्वलिटी और यह क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, ये तुम्हारा कहलाएगा ये लीनियर इनइक्वलिटी हुआ। ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो कि लेस देन या ग्रेटर देन से होगा ये क्या कहलाएगा, ये हो गया लीनियर इनइक्वलिटी। तो हम लोग को इस चैप्टर के नाम से स्पष्ट होगा तुमको, हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह के इनइक्वलिटी को हम क्या कह सकते थे, इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, इसमें एक और भी वर्ड जोड़ सकते हैं, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स, और ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी कह सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। और जहां तक कि जैसे कि ये रहता अगर ये 5x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये क्या होगा, ये लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल, ये हो गया लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल, ये टू वेरिएबल में हो गया एक्स वाई में, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वलिटी है। हम लोग का जो चैप्टर है उसमें वन वेरिएबल में ही पढ़ना, इस जो तुम्हारा दिया हुआ 6.1 में, शायद 6.1 ही एक ही एक्सरसाइज है या एक और दिया हुआ है उसका ग्राफ वगैरह दिया हुआ है। तो लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल का पढ़ेंगे हम लोग, तो लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल। इसमें जो कुछ रूल्स हैं जैसे इनइक्वलिटी के लिए, इसमें तुम कोई भी नंबर, तुमको दो रूल लिखे जा सकते हैं इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके सॉल्व में। टू सॉल्व लीनियर इनइक्वलिटी इक्वलिटी दोनों साइड तुमको जो है इनइक्वलिटी के दोनों साइड हम लोग किसी भी नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। एड और सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट बाय एनी नंबर ऑन टू साइड, दोनों साइड क्या कर सकते हैं हम लोग, एड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरा नंबर। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए पॉजिटिव नंबर कैन नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। इस बात का मतलब हुआ कि अगर लिखा हुआ है 2x ग्रेटर देन 6, तो अगर इसको कोई चाहे तो इसको 2 से डिवाइड कर देगा, तो 2x बाई 2 ग्रेटर देन क्या लिख सकता है इसको, 6 बाई 2 2 से डिवाइड कर दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x ग्रेटर देन क्या होगा 3, ये इसका हो गया। और बट डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय ए निगेटिव नंबर चेंज द इनइक्वलिटी साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ, से एक क्वेश्चन है माइनस 2x ग्रेटर देन 6 ऐसा है, अब इसको करने के लिए माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x निकालना है, तो माइनस 2x बाई 2 माइनस 2 किसी ने कर दिया, तो इसको आपको चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इस ध्यान रखिए। यह माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद क्या किया, यहां पर देखो चिन्ह चेंज किया, तो x लेस देन अब हो गया माइनस 3, इसका सॉल्यूशन होगा x लेस देन माइनस 3। ये देखो समझने का कोशिश करो कि इसमें तुमको यहां पर देखो 2 से जब डिवाइड किया तो हमने को चिन्ह नहीं बदलना पड़ा, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहा, लेकिन माइनस 2 से जैसे डिवाइड किया तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन
चेंज कर गया। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या क्या करें डिवाइड करेंगे तो उसका इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। और तुमको जहाँ तक कि है इसके इक्वेशन को, इसके जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन को हम लोग, ये तुमको बहुत इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स लेस देन ग्रेटर देन टू कहें, एक्स लेस देन माइनस थ्री कहें, तो इसे इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको नंबर लाइन पर भी दिखाते हैं हम लोग, जिसको रियल नंबर पर कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं उसमें तुमको ये सब स्पष्ट हो जाएगा तुम्हारा। और लीनियर इक्वलिटी ही अभी बताते हैं, फिर उसके बाद जैसे कि तुमको नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में होगा तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी के भी बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ अलग से उसका भी चर्चा करेंगे बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए में। तो ये तुम्हारा हो गया पहला जो तुम्हारा है लीनियर इनइक्वलिटी में। तो यहाँ पर दो रूल यही ध्यान रखना है कि कभी भी मल्टी प्लस माइनस करने में कुछ भी किसी भी नंबर से कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ऐड डिवाइड और मल्टीप्लाई कभी भी पॉजिटिव नंबर से करेंगे। और इसका ये भी मतलब हुआ कि कोई नंबर अगर ये नहीं आपको पता है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप डिवाइड कर करने में आपको दो केस लेना पड़ जाएगा, इफ इट इज़ पॉजिटिव, इफ इट इज़ निगेटिव, ऐसा करके कोई ऐसा हो ए बी ए से डिवाइड कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बिना उसका चिन्ह जाने के ए पॉजिटिव या निगेटिव मल्टीप्लाई करके आप किसी भी एक्सप्रेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं इनइक्विटी में। उसको जब तक उसका चिन्ह पता नहीं होगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के, उसके या तो आपको केस लेना पड़ जाएगा इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ निगेटिव, केस करके आपको बनाना पड़ जाएगा। तो अब कुछ एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, इसका जो पहला एग्जांपल क्या है पढ़ो, एनसीईआरटी का एग्जांपल देख रहे हैं, उसी से अब और क्लियरिटी होगी। कितना 30x लेस देन 200, देखो तो एक्स इज नेचुरल नंबर, हाँ तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तुमको, तो इसमें कौन कौन आंसर होगा देखो, 30x लेस देन 200, तो क्या करना पड़ रहा है, दोनों साइड हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं 30 से, तो 30x बाय 30 लेस देन क्या हो गया तुमको, 30x बाय 30 लेस देन कितना हो गया 200 बाय 30, या देखो जैसे करते हैं 30 से डिवाइड कर दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं चूंकि पॉजिटिव है तो हम ऐसा लिख देंगे दोनों तरफ से, तो x लेस देन क्या होगा तुमको 6 इंटीजर 2 बाई 3, तो कौन कौन आ गया इसमें, जो कि x 6 इंटीजर 2 बाई 3 से जो नेचुरल नंबर जो जो बड़ा होगा तो कौन कौन होगा, x इज इक्वल टू हो गया तुमको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सॉल्यूशन सेट को अगर लिखना चाहेंगे, सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो हम लोग करली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया पहला क्वेश्चन। तो यही सिर्फ इतना लिखा था, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, नेचुरल नंबर था तो इसका डिस्क्रीट मतलब ये हो गया, और रियल नंबर था तो बहुत से हो जाते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं। चलो दूसरा नंबर 5x-3 लेस देन 3x+1, तो x इज ए रियल नंबर, तो क्या करें इसको 5x-3x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x को एक तरफ लेंगे तो क्या लिख दें इसको 5x-3x लेस देन क्या हो जाएगा, ये क्या माइनस थ्री है इधर थ्री जाएगा तो क्या हो जाएगा 3+1 हो जाएगा, ये ना ये प्लस वन है तो 3+1, तो ये कितना बच गया 5x-2x 2x बच गया, 2x लेस देन कितना हो गया ये 4, तो अब 2 से जैसे डिवाइड करते हैं तो कोई पॉजिटिव है इसलिए हमको दिक्कत नहीं है, तो x लेस देन क्या हो गया 2, और ये रियल नंबर था, x लेस देन 2 तो बहुत से रियल नंबर हो सकते हैं, तो या तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने चाहेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कॉमा x लेस देन 2, ऐसा लिख सकते हैं, एक तो ऐसा होगा, या तो तुमको इसको इंटरवल के रूप में लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या चीज माइनस 2 तक, ये 2 में इक्वलिटी नहीं है तो ये भी लिख सकते हैं, ये इंटरवल के रूप में भी इसको लिख सकते हैं आंसर को, रियल नंबर के लिए से लिख सकते हो दोनों साइड से लिख सकते हो, और इसको जैसे नंबर लाइन पर शो करने कहता तो नंबर रियल नंबर लाइन पर अगर शो करने के लिए बोलता, देखो इसको कैसे शो करते, यह यहाँ पर है तुमको ये 2 यहाँ पर होगा कहीं पर, यहाँ पर 2 होगा ना, तो 2 से क्या लेना है 2 से छोटा, तो इसको सर्किल कर देंगे और इधर के पार्ट को क्या कर देंगे ब्लैक कर देंगे, इसको इधर को डार्क कर देंगे थोड़ा सा, उधर क्या रखेंगे डार्क नहीं करेंगे, तो यही तुम्हारा क्या होगा, ये क्या होगा तुम्हारा सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी ऑन रियल नंबर लाइन,
रियल नंबर लाइन, ये समझ में आ गया? तो जिधर मतलब ऐसा नंबर लाइन पे सो करने से नहीं बोला है, वो अगला क्वेश्चन में होगा, ठीक है, इसमें भी सो कर सकते हो अगर मतलब चाहो तो कर सकते हो, तो सिखा दिए। चलो दो नंबर हो गया क्वेश्चन, तीसरा सिक्स एक्स प्लस, वो तो सेम है तो इसमें, लेकिन वही माइनस वाला चक्कर है इस बार, मतलब इधर लाएंगे ना तो माइनस होगा, तो माइनस वाला बात तुम्हें समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, तो काफी आसानी से ही बन जाएगा, तुरंत लिखते हैं क्वेश्चन। तो सब आसानी से चैप्टर बन जाएगा। हाँ क्वेश्चन क्या है, चार नंबर के, तीन नंबर है, तीन नंबर, हाँ 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, तो 4x माइनस 6x इसको हो गया और लेस देन कितना हो गया ये 7 और इधर चला गया माइनस 3 ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये लेस देन कितना, लेस देन 4, माइनस 2x लेस देन 4 ना हो गया, तो माइनस 2x लेस देन 4, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, अब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू से, या तो दोनों साइड देखो, इसमें प्रिकॉशन लेगा, ध्यान रखेगा, इसमें चिन्ह क्या कर देगा, इसको बदल देगा माइनस टू, तो एक्स ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, क्या नंबर लाइन पे शो करना है, यूं ही हो गया, तो बस एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया माइनस टू, तो माइनस टू से कहाँ तक हो गया ये, इन्फिनिटी तक, ये हो गया नंबर लाइन पर ऐसे मतलब ये इंटरवल के रूप में। चलिए तीन नंबर हो गया, चौथा 5 माइनस टू एक्स होल बाई थ्री ना, एक्स बाय, हाँ एक्स बाय सिक्स माइनस फाइव इनसे, तो इसको क्या कर दें पहले, अब इसको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, तो इसको क्या लिख दें, इसको ये कितना है तुम्हारा 5x माइनस 7, फाइव है सिर्फ, हाँ फाइव माइनस टू एक्स, अच्छा 5 माइनस 2x बाय 3, तो उसको एलसीएम ले लेते हैं इधर की तरफ, 5 माइनस 2x बाय 3 और ये है लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या एलसीएम हो गया 6, तो क्या हो गया ऊपर 30, हाँ 30। अब यहाँ पे क्या है तुमको 3 और 6 पॉजिटिव है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तुमको, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव रहेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ध्यान रखेगा, निगेटिव जैसे काटेंगे ना अभी तो तीन से, अभी थ्री से क्या दोनों साइड डिवाइड कर दी, ऐसा कर सकते हैं, तो हमको थ्री से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, और टू से फिर मल्टीप्लाई दोनों साइड कर रहे हैं तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ टू से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा टू से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 10 माइनस 4x लेस देन क्या हो गया तुम्हारा, ये लेस देन हो गया तुम्हारा x माइनस 30, ठीक है जी, अब इसको इधर ले आवे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस x लेस देन इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ये, और ये जाकर के इधर क्या बन जाएगा तुमको, ये माइनस 4 है नहीं ये, तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो माइनस 26, माइनस 30 प्लस 4 तो कितना हो गया माइनस 26 ना, ठीक है ना, ठीक है माइनस 30 है ना यहाँ, और ये 4 नहीं हो गया इधर, ओ हो 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 हाँ रुको, हाँ 10 जाएगा इधर, तो इधर क्या आएगा तुमको, ये 10 माइनस क्या था 4x और इधर क्या है तुम्हारा x है नहीं ये, तो -5x हो गया, चलो इधर, हाँ क्या हो गया इधर लेस देन क्या हो गया -30 है, -10 -40, अब क्या कर देंगे किससे डिवाइड करेंगे इसको, -5 से डिवाइड करेंगे तो चिन्ह पलटेगा, चिन्ह उलट जाएगा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 6, आंसर आया, गलती हुआ कहीं, यही होगा नहीं आंसर, ये गलती गलत हो गया कि 6 से इन्फिनिटी आया, नहीं आंसर आ रहा है कि रे आ गया, क्या बोला, फिर गलती हो गया, और 40 है तो 8 हुआ ना, अच्छा हाँ, तो इसका 6 की जगह क्या लिख दें 8, तो बस और कहीं और ठीक ठीक है सब जगह, तो ये क्या लिख दें यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर 8 से लेके इन्फिनिटी तक, 40 बाय 5,
तो ये तुम्हारा हो गया कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये चार नंबर था। अब क्या है इसके बाद, तो क्या करना है इसको, और मतलब नंबर लाइन तो सीखिए लिया इसे, तो बता दे रहे हैं तो ऐसा तो बना ही चुका है। क्वेश्चन नंबर आ गया ये फाइव सर, फाइव ना, उसके बाद कुछ अब शायद आएगा कुछ लैंग्वेज वाला आएगा सर अभी ना। चलो पांच नंबर में बोलो क्या है, एक मिनट, सेवन एक्स, सेवन एक्स प्लस थ्री, फाइव एक्स प्लस नाइन, तो ये हो गया तुमको फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स लेस देन नाइन माइनस थ्री, तो ये कितना हो गया माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स कितना हो गया लेस देन थ्री हो गया, हाँ क्या हो गया, सिक्स, सिक्स माइनस थ्री है ये, हाँ नाइन माइनस थ्री दैट इज यहाँ पर सिक्स हो गया ये, तो ये होगा तुमको सिक्स हो गया, तो अब क्या बचा, तो क्या हो गया इधर, और इधर कितना हो गया, तो सेवन एक्स माइनस, एक मिनट, इधर हो गया तुमको सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स, और उधर हो गया सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स लेस देन है ना नाइन माइनस थ्री, तो ये हो गया तुमको कितना 2x लेस देन 6, तो x लेस देन दो से भाग कर दें कोई दिक्कत नहीं है, x लेस देन 3, तो ये हो गया तुमको माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक हुआ। अब इसको जहाँ तक नंबर लाइन पर अगर हम शो करना चाहें तो 3 यहाँ पर होगा कहीं पर, इसको सर्किल कर देंगे हम लोग 3 पर, और इससे जो है तुमको ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे पहले क्या हो जाएगा, इधर लेस देन है ना, लेस देन का इधर कलर करोगे यही नंबर लाइन पे इसको दिखा दो, ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक 3 तक, यही हो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, ठीक है यही ना है, तो इसी ढंग से रंग कलर कर दिया होगा इधर की तरफ नहीं किया होगा, तो पाँच नंबर तुम्हारा हो गया। अब है तुमको क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या लैंग्वेज बनाया गया, क्या पढ़िए क्वेश्चन, क्या बोला, किसमें, अच्छा तो माइनस ए का चिन्ह छूटता है, देखो ना आगे वाला इक्वेशन का स्टेप से देखो अंत में आंसर देख लो कितना लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 6, होल बाय 2 एक्स प्लस होल में 4, इसको क्या कर दें यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, अब इधर 2 से गुना करें कितना हो गया तुम्हारा 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये 5x हो जाएगा, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 9, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 5, इसको क्या नंबर लाइन पे लेना है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 9/5, 9/5 का मतलब कितना हो गया, तो 1.8, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1.8 नहीं ठीक ही हो यही होगा, तो अब नंबर लाइन पे लेंगे तो 1.8 आएगा ना, एक्स 9/5 से 1.8 यहाँ पे कहीं पे होगा, और इक्वलिटी है तो इसमें बथी नहीं देंगे, मतलब सर्किल क्या नहीं करेंगे यहाँ, नहीं करेंगे सर्किल, इधर इधर हो गया 1.8 से लेके कहाँ तक ये हो गया इन्फिनिटी तक ना, तो ये हो गया 1.8 इन क्लोज इंटरवल नहीं है ओपन इंटरवल 1.8 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 6, 7 नंबर, हुँ।
हाँ 62 एंड 48। तो देखो ये मान लेते हैं कि अगर उसको एनुअल में एक एक में आया 62, दूसरा में आया 48, तीसरा में मान लेते हैं एक्स एनुअल में आ गया, ठीक है 100 में होगा, तो इसको एवरेज जो है कितना हुआ 62, एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 62 प्लस 48 प्लस एक्स और बाय 3 हो गया, और एटलीस्ट कितना होना चाहिए 60 या उससे ज़्यादा। यही क्वेश्चन स्टेटमेंट हुआ, मतलब एटलीस्ट 60 मतलब क्या हुआ, वर्ड क्या निकल रहा है, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 ऐसा कहना चाह रहा है ना। तो 62 और 48 कितना हो गया 110, तो 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 इंटू 3 ही कर लो इधर, ये 3 मल्टीप्लाई कर लिए तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 180 माइनस 110, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। तो कम से कम उसको कितना आना चाहिए एनुअल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, इससे कम नहीं आना चाहिए, तो एवरेज क्या नहीं होगा 60 उसका नहीं आ पाए, ठीक हो गया तुम्हारा। तो क्या किया एवरेज में एनुअल एग्जाम का मार्क्स को क्या मान लिया गया एक्स, फिर उसको क्या कर लिया गया एवरेज, उसका इक्वेशन बना लिया गया एवरेज के आधार पर, फिर इसको सॉल्व कर दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, अब अगला 7 क्या है पढ़ो। उसका जो तुम्हारा है दो तुम्हारा कहता है कि तुमको दो ऑड नंबर लेना है हमको, तो ऑड नंबर होता है जैसे कि क्या होता है तुम्हारा ऑड नंबर, या तो तुमको 7 में ऑड नंबर कंजक्यूटिव ऑड नंबर, तो ऑड नंबर या तो तुमको एक्स मान भी लेगे तो ऑड ले लेना, तुम एक्स मान लोगे या तो 2x+1 ले लो, लेट कंजक्यूटिव ऑड नंबर आर कंजक्यूटिव ऑड नंबर इज एक्स एंड एगो x+2 होगा, एक्स एंड x+2 बड़ा वाला जो है वो तुमको होना चाहिए किससे बड़ा, 10 से छोटा नहीं होना चाहिए, सके 10 से छोटा होना चाहिए ग्रेटर, हाँ बड़ा वाला लार्जर देन 10, बोथ लार्जर देन 10, तो बोथ तो मतलब यदि अगर एक्स ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये तो ऑटोमेटिक लार्जर हो जाएगा, मतलब दूसरा तो हो ही जाएगा, तब 10 से बड़ा एक्स से जब 10 से बड़ा हो जाएगा दोनों, तो x+2 तो ऑटोमेटिक, और दूसरा क्या होता है दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 19 40 और ये ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन यहाँ से आ जाएगा, तो 2x लेस देन इक्वल टू 40 क्या लिखा हुआ था, और लेस देन इक्वल टू नहीं इक्वल टू नहीं, तो 2x लेस देन कितना हो गया 38 हो गया, x लेस देन कितना हो गया 19, x लेस देन 19 और ऑड होना चाहिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 x का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा फ्रॉम 1 एंड 2 तो x कह रहा है कि 10 से क्या होना चाहिए बड़ा और 19 से छोटा, तो 10 से बड़ा और 19 से छोटा, ये नहीं हुआ निष्कर्ष, और ऑड भी ध्यान रहे क्या है हमारा माना हो ये ऑड नंबर होना चाहिए। चलिए तो अब तो तुम्हारा हो गया x का वैल्यू, तो 10 से तो 11 शुरू होगा, तो 11 तो एक पेयर हो गया 11-13 का, एक पेयर हो गया कौन सी 11-13 का, इसका एक हो सकता है, दूसरा पेयर हो सकता है 13-15 का, एक्स और एक्स प्लस टू का बात हो रहा है, फिर 15 और 17 होगा, और 17 और 19 होगा, 19 हो सकता है ये एक्स नहीं है ये एक्स प्लस टू है 19, ये 19 हो सकता, अब नहीं होगा कोई, तो क्या कोई पेयर बना तुम्हारा 11 से 11, 13, 15, 17 और 17, 19, ये 19 ध्यान रहे 19 से छोटा यहाँ है, बट ये x प्लस टू 19 है, x 17 ही है, 19 हम x ने क्या नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे, चार पेयर हुआ, क्लियर हुआ, तो एक मिनट दोनों जय को कंडीशन बनेगा उतना कंडीशन बना लेगा,
और उसके बाद उसके आधार पर क्या करेगा, उसका सोल्यूशन कर लेगा दोनों कंडीशन। जैसे कि एक और ऑड का ध्यान रखता, जैसे ऑड मानने का एक और तरीका होता है जैसे 2x+1 मानता, खैर उतना कोई जरूरत नहीं था, यहाँ तो इजी सिचुएशन है तो कोई जरूरी नहीं उसका मानना। जैसे इवन को मानता है 2x और ऑड को क्या मानता है 2x+1, तो उसमें x कुछ भी रखता ना तो अपने क्या जाता ऑड होते जाता, तो यहाँ ऑड का ध्यान रखते हुए x का मान रख देना था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 8, हाँ 8 ही था, लास्ट था, ये खत्म हो गया। ओ तो तुम्हारा एग्जाम्पल तो समाप्त हो गया, इसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज तुमको अब नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कितना है 6.1 है, 6.1 यू हैव टू सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे, जहाँ दिक्कत है तुम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एडाइस्टूडेंट ऐप के माध्यम से। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, चलो कितना हो गया?